बस एक बार नाए वो भी कल सुबह। सस्ता भी था 2500 रुपए। सवारी मिल जाएगी नहीं? विंटेज कार कलेक्शन। अच्छा अच्छा स्टाफ बोल के अंदर घुस जाए। पहुंच गए सागर लेक पहुंच गए। स्पीड बोट बहुत तेज चल रही है। कोल्ड कॉफी मिलती है यहाँ पे? भाई चला सकता है वो, ये भी चला सकता है। स्पीड देखना और अभी देखना ड्रिफ्ट मारेंगे ये मारे। कैंपस घूम लेंगे 30 रुपीज। ये म्यूजियम है यहाँ पे लेक पैलेस देखिए कितना फास्ट है। गोइंग बैक टू द दिल्ली। आलू पूरी खा रहे हैं। वो भी खर्चा हुआ जो तो हमारी 6:40 की ट्रेन है तो हमने बैग अपना यहीं सबमिट कर दिया होटल में। तो अभी थोड़ा बहुत और घूम लेंगे उदयपुर। तो उदयपुर घूमने के बाद फिर हम बैग लेके सीधा स्टेशन चलेंगे और स्टेशन के पास है 1 किलोमीटर यहाँ से। तो जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे थे जैसे इनके स्विमिंग पूल था बस एक बार नहाए वो भी कल सुबह। उसके बाद नहाया ही नहीं ये भी आपस के बदले। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है बस एक ही इशू है वाईफाई का। वाईफाई नहीं यहाँ पे बहुत की स्पीड बहुत कम आती है तो हमें वाईफाई के लिए बहुत पंगा पड़ा। बाकी स्विमिंग पूल आप कभी भी जाइए, खाना पीना एवरीथिंग, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ अच्छी है, रूम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मज़ा काफ़ी आ गया और ज़्यादा सस्ता भी था 2500 रुपये। हम लास्ट का दिन था तो हमने सोचा था अच्छी तरह रहेंगे। 1200 एक स्प्लिट हो गया, सही बैठ गया। हाथी मेरे साथी आए भैया। सवारी मिल जाएगी? नहीं। गणेश जी की आए हैं आप विजिट करने। विंटेज कार कलेक्शन जो पुराने टाइम में गाड़ियाँ होती थी वहाँ से गाड़ी टिकट लिया। अच्छा ऐसी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं अंदर पुराने टाइम की जो चलती हैं ये। और इसकी टिकट है 400 रुपये अभी तो 400-450 लिखा हुआ है। बट कर लो यार कुछ जुगाड़ कर लो, पैसे ले लो हमसे। अच्छा अच्छा स्टाफ बोल के अंदर घुस जाए। स्टाफ नहीं भाई, हम नहीं जा रहे विंटेज कार कलेक्शन भाई। 400 रुपये टिकट वहाँ का सिटी पर है। 350 रुपये की टिकट, 500 अलग, 800-900 रुपये तो वहीं खर्च हो गए ऐसी। अब यहाँ पे 400 रुपये अलग। मैं कहा भैया राम राम रहन दो। तो भाई इतने में इतना ही मिलेगा? दूर से हम बाहर खड़े हुए हैं। ये पीछे दिख रही गाड़ी वही है। तो भाई हम रेस्टोरेंट बोल के अंदर घुस गए हैं बट कह रहे हैं कि टिकट लेके अंदर जानी पड़ेगी। अब भाई जो भी यहाँ पर थाली खाना चाहता है ये सब मेन्यू आप देख सकते हो, आपको मिलेगा 300 रुपये में। भाई हम लोग पहुँच गए हैं। पहुँच गए फतेह सागर। लेफ्ट बता रहा है वो लेफ्ट में। हाँ तो रुक जा, मेरे को पता है हम राइट में गलत जा रहे हैं। तो भाई हम लोग फतेह सागर लेक पहुँच गए हैं। तो जैसे बाहुबली हिल्स के लिए हम उधर से गए थे आज सुबह, हमने ये भी देखा था बट ये फतेह सागर के लिए हमने यहाँ लेफ्ट ले लिया और बाहुबली के लिए राइट। बट ये जगह बहुत अच्छी है एक्सप्लोर करने के लिए देखो। और यहाँ पे स्पीड बोट चल रही है वो रही देखो, तो शायद हम उसमें जाएंगे ट्रैवल करने। बाकी सही है यार, यहाँ पे आके चला के बैठ जाओ इंजॉय लाइक मरीन ड्राइव। ये मरीन ड्राइव एक तरह से उदयपुर का। भाई ये आपकी स्पीड बोट देखो, तो मूवी देखिए शायद इसमें ट्रैवल करें। ये तो 5 मिनट की राइड है भाई। भाई शायद हम लोग एक्वेरियम जाएँ। अब पहले इसकी टिकट देखनी पड़ी कितने रुपये की है। ज़्यादा महंगी हुई थी, वी विल नॉट। तो भाई यहाँ से हम टाइम लैप्स बना रहे हैं और देखते हैं कैसा आता है शॉट। इन 3, 2, 1 स्पीड बोट बहुत तेज चल रही है यार, क्या फायदा फिर यार? 5 मिनट में इनका चक्कर हो गया। तो भाई फतेहपुर में हमने थोड़ा इंजॉयमेंट कर लिया, बैठ लिया, थोड़ा चिल कर लिया, मौसम भी साफ हो गया, बारिश रुक गई और अब हम जा रहे हैं शायद बोटिंग करने वहाँ पे, देखते हैं। अभी मिले 1 साल विनिवास को फोन लिए हुए। भाई आप लोग फोटो खिंचवा सकते हो ऊपर चढ़ के, फ्री ऑफ कॉस्ट है मोदी जी की द्वारा इसलिए। ये एक बोटिंग है। कोल्ड कॉफी मिलती है यहाँ पे? अच्छा पीएंगे कोल्ड कॉफी पीएंगे पहले बोटिंग का। बोटिंग लेते हैं क्या जुगाड़ है बोटिंग का? कोल्ड कॉफी ले लो। स्पीड बोस्ट का देखते हैं क्या है। लगा रहे भैया, लगा। टिकट कितने की भैया? वो स्पीड वाली है नॉर्मल ऐसे कोई भी ले सकते हैं। तो स्पीड मोटर और ये शिकारा का भी एक ही प्राइस है, 220 रुपीज़ है। ये छः बंदे होंगे तभी ये फुल होके जाएगी और जब ये फुल होगी तभी जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। मगर 6 मैक्सिमम है, 6 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे चाहे 3 साल से बच्चा अगर बड़ा भी हो तो उसका फुल टिकट लगेगा, कोई चाइल्ड का अलग नहीं है। जैसे कोई होता है ना 250 रुपये
तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फुल टिकट है। वजह से ही निकल गई, स्पीड देखना। अब हमने बोटिंग कर चुके थे हम सिटी पैलेस में, तो हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सौरभ भाई जा रहे हैं। ये नॉर्मल शिकारा है, ठीक है, और इसका नाम है जो ये सागर में ले गए इसमें है अतिथि देवो बाबा, इसका नाम है शायद। तो भाई आ रही है ट्रेन आगे, देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और भाई अरे लेके जाओ ना, मजा आएगा। 20 रुपीज़ जल्दी होगी, 2-3 मिनट की राइड जल्दी होगी। अब यहाँ पे रूल है, जो बंदा अरुण भाई चला सकता है वो ये भी चला सकता है, ठीक है। स्पेशली नंबर प्लेट वाली होती है सर। भाई ये कह रहे थे कि ये स्विमिंग करना आती है, तो कह रहे कूद जाएंगे बीच में, तो भैया ध्यान रखना, ठीक है। मुझे लग रहा है इन्हें बहुत तगड़ी, कह रहे स्टेट लेवल के प्लेयर हैं ये। सौरभ भाई जा रहे हैं करने बोट राइड स्पीड पोस्ट वाली। अभी तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है ना बच्चा, काउंटेड है वो तो कह रहे 3 साल से ऊपर सब काउंटेड है। अच्छा 3 साल गई है, अच्छा सही है। चल बेटा गियर लगा दे, 5-6 सटे हो गया। भाई मजा ना भाई, हमारे पास भाई मौज कर दी। आधे घंटे में आती है और ये 2 मिनट में आ जाएंगे। अभी का टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है ये 2:20, अब देखना 2 मिनट में आ जाएगी ये, वो भी 2:21 हो रहा है, ध्यान से देख लो। और वो अभी तक यहाँ पे बस आने वाले हैं, और अभी देखना ड्रिफ्ट मारेंगे यहाँ पे आती स्वाई साए की, देख लो यहाँ। अच्छा यहाँ वहाँ की लगी है, अच्छा तभी तेज चलती है इतनी। अब देखो वो आ रही है सीधी यहाँ से आएगी, यहाँ ड्रिफ्ट मार देगी और स्पीड ये रोकेगी नहीं अपनी, देखना सेम स्पीड में स्टिल रख रहा हूँ, अब देखना आगे आएगी आगे आएगी, अब देखना सेम स्पीड है इसकी, अभी भी रुकी नहीं है, तो ये सीधा स्लाइड मारेगी, ये देखना ये मारेगी बेटे। ये गाड़ी की तरह चलती है भाई, हैं भैया आजा 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 आजा। अच्छा छोड़ दे, विद इन 2.5 आवर में 2.5 मिनट में ये आ गए यहाँ पे। फिर रुक गए हैं थोड़ा खाना पीना सागर कैफे में, तो हमने कोल्ड कॉफ़ी और मैगी ऑर्डर करी है, मैंने कॉफ़ी बाद में मंगाई है, अभी ये दोनों की है। भाई फतेह सागर में यहाँ पे बोटिंग के पास यहाँ पे कैफे बने हैं, बहुत सारे कैफे बोलो या रेस्टोरेंट बोलो कुछ भी बोलो, मगर इनके रेट्स बहुत रीजनेबल है, कोई भी आ सकता है और देख सकते हो, और बहुत अच्छा है मतलब यहाँ पे बैठ के, और खाना भी बहुत अच्छा है। हमने कोल्ड कॉफ़ी करी थी ऑर्डर और मैगी करी थी, मज़ा आ गया यार। और अच्छी बात तो ये है कि व्यू तो है ही तुम्हारे पास, व्यू तो मिलता ही है। हवा के साथ साथ कटा के संग संग वो साथी चल हमले के साथ, हाथों में हाथ जादू बेटे मौज कर दी। तो ऐसा लग रहा पुराना टाइम का बना रखा है, कितना अच्छा है। बोरला है, बोरला बोरला बोरला। तो भाई हम लोग दोबारा यहाँ पे जा रहे हैं सिटी पैलेस में, मगर 30 रुपये का यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है, बस 300 का बाकी सब मेंशन हुआ है, क्योंकि क्योंकि बस पैसा बनाने के लिए कहीं भी मेंशन नहीं हुआ। तो हम लोग दोबारा आ रहे हैं, सौरभ भाई को यार दोबारा जाना था कि घूमने के लिए वहाँ पे सिटी पैलेस, तो हमने कहा हम भी चलते हैं, हम कैंपस घूम लेंगे, 30 रुपीज़ चार्जेज है, और बाकी का म्यूज़ियम का 300 रुपये हम घूम ही लेते हैं। तो भाई दोबारा आ गए हैं यहाँ पे सिटी पैलेस, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे यार, एवरीथिंग इज़ ओके। तो मैंने इनके बंदों को बोला भाई ये वो बताओ यहाँ पे कोई मेंशन क्यों नहीं है, तो वो खुद ढूंढने लग गया बोर्ड पे, अरे कहाँ पे 30 रुपये मेंशन है, क्योंकि भाई बिकॉज ऑफ द मनी उनकी जेब में पैसा जाए, कि बंदा जाके बस सिटी पैलेस की टिकट चाहिए, वो सीधा 330 रुपये लगे निकाल के दे देगा, उसको तो समझाएगा नहीं कि म्यूज़ियम के 300 रुपये हैं और कैंपस घूमने के 30 रुपये हैं, कोई समझाएगा नहीं। बट कैंपस के 30 रुपये आप कभी भी आइए, बैठे यहाँ पे दिन भर कोई दिक्कत नहीं 4-5 बजे तक। और म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम है यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का पूरा सब कुछ जो कैसे बनाए क्या सब कुछ है वो सब बताया जाएगा, बट ये इसके चार्जेस 300 रुपये हैं मैं कह रहा हूँ। और मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको हिस्ट्री में ज़्यादा दिलचस्पी है, अच्छा लगता है आपको हिस्ट्री विस्ट्री जानना, तो आप बिल्कुल लीजिए म्यूज़ियम की टिकट, वरना कैंपस घूमिए वर्थ इट, कैंपस घूमना सही लगेगा अकॉर्डिंग टू म्यूज़ियम, क्योंकि म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, इधर उधर मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बतेरी चीज़ें 36 चीज़ें, तो इसलिए राधर टू वेस्ट 300 रुपीज़ टिकटिंग 30 रुपीज़ एंड
रूम अराउंड द कैंपस। ₹30 खर्च करके ₹800 के मजे ले लो, है ना सौरभ भाई, कूद जाओ। जो भाई जो घाट था वो ये था, रामेश्वर घाट, जहाँ से हम कल पिक एंड ड्रॉप हुए थे। तो ये बोट और ये भी जा रही है, आई थिंक ये वापस आ गई। और ये बोट आ गई नहीं, एक और किसी में भी भाई है? आपका राज है ब्रो, आप किंग हो यहाँ के, किंग मेकर। तो भाई हम एक और घाट पे आ गए हैं, यहाँ से लेक पैलेस बिल्कुल सामने दिख रहा है, ठीक है। और सिटी पैलेस ये रहा, और जहाँ पे हम झील कैफ़े हम लोग कल सुबह मतलब कल रात शाम को लंच कर मतलब डिनर कर रहे थे, वो वहाँ पे है, वो रहा ये रहा। तो यहाँ पे आराम से आप कभी भी आके बैठ सकते हैं पैर डाल के पानी में, नो कॉस्ट नथिंग, आराम से। इस घाट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, शीशी चार भूर्जा जी। तो लेक पैलेस देखिए कितना पास देख रहा है, और ये रहा अमर विलास, ये रहा सॉरी उदय विलास, उदय विलास करेक्ट। तो यहाँ पे इस घाट पे कोई मंदिर बना हुआ है, तो देखने आया हूँ मैं भाई। क्या पिक्चर यार, ग्राफिटी, इसे ग्राफिटी बोलूँगा या पिक्चर, क्या सेक्सी। तो भाई जिस घाट पे हम लोग आए हैं उसका नाम है हाथी घाट, आप लोग हाथी घाट पे विजिट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा सिटी पैलेस का, लेक पैलेस का जो है, और नो कॉस्ट, इट्स अ घाट, पैर डाल के आराम से बैठ सकते हो। तो भाई यहाँ का व्यू है, उदयपुर बाय, वी आर लीविंग नाउ फॉर दिल्ली, हो गया हमारा ट्रिप अब खत्म, अब हम वापस जा रहे हैं। तो वी आर बैक टू द होटल, अपना सामान लेंगे और अब होटल की तरफ निकल जाएंगे, हमारी 6:30 की ट्रेन है। और घर जाने की खुशी अलग ही लग रही है, याद आ रही है, घर जाना है। How's the Josh, guys? How's the, आए सर, आए, 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 आए। तो भाई ऐसे जा रहे हैं स्कूटी में, पत्थर पत्थर अपने दिल्ली वाले स्टाइल में। तो भाई राम राम भाई, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ, आगे प्लान बनेंगे तो आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल एटीट्यूड कैमरा में, 50 रुपये काटू में एक्टिंग के। ट्रेन का सफर शुरू और वी आर गोइंग बैक। तो भाई चित्तौड़गढ़ में हम लोग रुक गए हैं, आलू पूड़ी खा रहे हैं यहाँ पे स्टेशन पे, फ्रेश बिल्कुल ताजी बना रहे हैं भैया। पंडित जी ट्रिप कैसी रही? बढ़िया थी भाई, मजा आया। हाँ, और एक्सप्लोर कर सकते थे थोड़ा बहुत, रह गया उदयपुर, बाकी बाद में करेंगे, बाद में। जो भी खर्चा हुआ, जो भी क्या हुआ, टोटल सब कुछ बताऊंगा बाद में ब्रीफ में, बट बहुत चीप था, एंजॉय बहुत करा, और बस यही था। अब घर जाएंगे, आराम करेंगे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सो सी इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट। देयर्स नॉट मच टू डू. When all I can is thinking